ओम शांति। आज की तारीख है 22/1/23 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त प्राण बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 25/11/93 की, जिस ज्ञान मुरली का शीर्षक है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज ज्ञान दाता वर दाता अपने ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है, क्या देख रहे हैं कि हर एक बच्चे योग युक्त और ज्ञान स्वरूप कहाँ तक बने हैं। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं वा फिर ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं वा सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त और स्वतः वा सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे, सभी ज्ञानी और योगी है ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ कभी नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। अच्छा, अब हम क्या सुनेंगे, मीठे मीठे प्राण व्यक्त बाप दादा का टाइटल्स के साथ बच्चों को याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। मीठे मीठे सतगुरु शिव पिता का वरदान, उड़ती कला के द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले
चक्रवर्ती भव। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, जैसे बाप ऑलराउंड पाठधारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ते पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां वे पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पाठधारी। स्लोगन है, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।